बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मुकेश कुमार कुमार जी हैं, जिला जयपुर के हैं, राजस्थान के। इनका एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत विचारणीय प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहता है और वह मृत्यु के समय शरीर को कैसे छोड़ता है, कैसे। अच्छा, तो ये प्रश्न समझ में आ गया आपके। आत्मा क्या है ये प्रश्न नहीं किया है, प्रश्न ये है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहता है। ये प्रश्न करने वाला व्यक्ति एक बात तो सिद्ध हो गई कि मानता है कि आत्मा है शरीर में। आपके प्रश्न से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ये स्वीकार कर लिया है कि आत्मा है, वही ये प्रश्न करेगा कि कहाँ रहता है। यदि आप किसी व्यक्ति का पता पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो व्यक्ति जिंदा है, जीवित है। तो आपने आत्मा को स्वीकार कर लिया है कि आत्मा है। अच्छा, अब आपका अब प्रश्न हुआ कि आत्मा शरीर में कहाँ रहता है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। भगवान ने एक बहुत गजब बात कही और जो सुनने लायक है। गीता के 18वें अध्याय का 31वां श्लोक देखिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। ठीक है ना, पहले तो ये समझ लो ना कि भगवान कहां रहते हैं। आप यदि भगवान मानते हैं तो आत्मा मानना बिल्कुल सही है। भगवान ने बड़ी गजब बात कही कि अर्जुन, ईश्वरः, ईश्वर जिसे आप ईश्वर भगवान कह रहे हैं, वो सर्वभूतानां हृदयेषु, सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। अच्छा, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो सभी प्राणियों को घुमाते रहते हैं। मनुष्य बनाया, मनुष्य से कुत्ता बनाया, कुत्ते से हाथी बनाया। ये कैसे बोले, यंत्रारूढ़ानि, जैसे झूला यंत्र कहलाता है। तो झूले में आप बैठ जाते हैं तो झुलाने वाला कौन है फिर? तो जो बैठता है वो नहीं झूलता है, वो नहीं घूमता है, बल्कि जो घुमाने वाला झूले को घुमाता है। बस वो जितना तेज घुमा दे उतने तेज आप बैठे हुए। यंत्रारूढ़ानि, जैसे यंत्र में झूले में बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे चक्र में बैठा हुआ व्यक्ति घूमता है, ऐसे भगवान हृदय में विराजमान होके सभी जीवों को माया से ऐसे घुमाते रहते हैं। ये बात आप पहले ये मान लीजिए कि भगवान हृदय में रहते हैं। ये बात सिद्ध हो गई। अब फिर आपको ये भी पूछेंगे या फिर, तो हृदय कहाँ होता है? तो क्या आपको अपने शरीर में क्या दिखता है? यहां से नाखून से लेकर के और सिर के बाल तक आप अपने अंगों को जानते हैं। आज तक आपने अपना हृदय देखा कभी? क्यों नहीं देखा? क्योंकि उपनिषद कहते हैं, परांच खानी व्यतीर्णत स्वयं भूहु। कठोपनिषद, कठोपनिषद ने कहा कि जीवों के जितने भी शरीर बने हैं, इसमें जो आँख, कान, नाक, मुख, जिह्वा, त्वचा, ये पांच ही जानकार हैं, इन्हीं से ज्ञान होता है। ये अंदर का कुछ नहीं देख सकती। अब जो हृदय देख लेगा वो हृदय में रहने वाले ईश्वर को देख लेगा। सीधी सी बात है, ये बात सिद्ध हो गई ना। भगवान गारंटी से कह रहे हैं कि अर्जुन, सर्वभूतानाम, जितने प्राणी, सर्व सब माने जाते हैं, मच्छर हो, मल खाने वाला कीड़ा हो, खून पीने वाला कीड़ा हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, उड़ने वाला हो,
खिसकने वाला सांप बिच्छू हो। इससे एक बात सिद्ध होती है कि सब योनियों में सभी शरीरों में हृदय होता है। जब आप शास्त्रों की बात करते हैं तो बहुत समझने जैसा है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक ने दो बात सिद्ध कर दी कि सभी जीवों के एक वाक्य सभी जीवों के, इसका तात्पर्य सर्वभूतानि का तात्पर्य है सभी शरीर। तो आप कितने शरीर जानते हैं? पानी में कितने शरीर होते हैं? मल खाने वाले शरीर हैं, शाकाहारी घास पात खाने वाले शरीर हैं, एक मनुष्य मात्र थोड़ी है। सारे जीव जो मिट्टी खा रहे हैं, मल खा रहे हैं, वनस्पति खा रहे हैं, कुछ तो मांस ही शरीर ही खा रहे हैं, ये सब जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं। अभी लीजिए आपको पता बता दिया, जब आप हृदय देख लेंगे तब तो भगवान दिखेंगे। एक बात ठीक होगी, इसका मतलब है आप हृदय नहीं देख पाते इसलिए आप भगवान ही नहीं देख सकते। अब आई आत्मा शब्द की बात, तो भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में एक बात कही, ममैवांशः जीवलोके जीवभूतः सनातना। मैं जिन जीवों के शरीरों के हृदय में रहता हूं वो जीव मेरा अंश है। तो इसका मतलब है कि जहां अंश ही रहेगा वही तो अंश रहेगा। तो जहां भगवान रहते हैं वही आत्मा रहता है, इसका सिद्ध बात हो गई। एक शरीर में दूसरा शरीर रहता है ऐसा तो नहीं कहा ना। तो जब भगवान कह रहे हैं ममैवांशो जीवलोके, ये जीवलोक कहलाता है जहां सारे जीव रहते हैं। तो जितने जीव, आप तो खाली यही मनुष्यों को भी नहीं पूरे जानते होंगे, आप पूरे धरती के नीचे जाइए वहां भी जीव है, ऊपर जाइए वहां भी जीव है, लेकिन आपके शरीर में भी आप देख लीजिए एक बूंद खून निकालिए इतने जीव हैं। आपके मल में, मूत्र में, खून में, वीर में, रक्त में, पूरे शरीर में जीव ही जीव भरे हैं। एक ऐसे सुई की नोक रख दी जाए तो आप ये नहीं देख सकते कि कहां जीव नहीं है। अब आप बताइए हृदय देख लेते हैं क्या? तो भगवान कहां रहेंगे? हृदय में, सभी के हृदय प्रदेश में रहते हैं। अच्छा, अब वो भगवान का जीव कौन है? सर्वभूतानि कानि, वो जीव कौन है? बोले ममैवांशः जीवलोके जीवभूतः सनातना। जिसको आप जीव स्वरूप कहते हो वो जीव तो मेरा अंश है। अंश माने क्या कहलाया? जैसे मेरा अंश मेरा पुत्र है, तो मेरे शरीर से जो तत्व निकला है उसी तत्व से उस शरीर को निर्मित हुआ है। तो इसका अंश का तात्पर्य है कि जो गुण भगवान में है वही गुण उसमें है। जैसे भगवान को कोई मार नहीं सकता तो ऐसे जीव को कोई मार नहीं सकता। भगवान कभी मतलब लिप्त नहीं होते। अच्छेद्य दूसरे अध्याय में पढ़िए, अच्छेद्यो ये मदाहियो ये मक्लेद्यो शोषेव च, उसको पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकता। ये सब है ना, ये है आपका आत्मा का लक्षण। इसका मतलब आपको मैंने घर बता दिया, भगवान की ही बात कह रहे हम नहीं कह रहे। ये कोई मनुष्य कहता होता तो हम बात मान लेते, क्या पता किसके हृदय में रहते हैं। वो तो कहते सबके हृदय में, मांसाहारी हो शाकाहारी हो, कोई गर्भ से पैदा, अंडा से पैदा हो रहा, पृथ्वी से पैदा हो रहा, जो भी शरीर है उसके हृदय में मैं रहता हूँ और जीव मेरा अंश है रहते। इसका अच्छा चलिए भाई, शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में लिखा अत्यतिष्ठत दशांगुलम्मा, अत्यतिष्ठत दशांगुलम्मा, सहस्र शीर का पुरुका सहस्राक्षा सहस्रपाद, जो अनंत नेत्र वाला अंतर अनंत कान वाला विराट पुरुष है वह सभूमिम सर्वतस्प्रत्वा सारी पृथ्वी में व्याप्त है। और फिर त्यतिष्ठत दशांगुलम्मा, नाभि से आप अपने 10 अंगुल गिन लीजिए हृदय निकलेगा। तो जिसको आप हृदय शब्द कह रहे हैं वो नाभि से 10वें अंगुल पर है। तो अब आपको पता चल गया ना कि आत्मा यहाँ रहता है हृदय में। अब हृदय में भी तो कठोपनिषद के अंत में तीसरी बल्ली में उन्होंने कहा इसमें 72,000 नाड़ियां हैं। तो शरीर में जो आपको दिल बना दिखता है एक मांसपिंड है, वो हृदय नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
ये जो डॉक्टर लोग हार्ट का ऑपरेशन करते हैं वो हृदय नहीं है, वह शरीर का एक अंग है, लेकिन हृदय उसे कहते हैं। जब आप किसी गरीब को देखते हैं और आपका भावना जो के कारण आपके आंखों में आंसू आ जाए, दया हो जाए, दयार्द्र हो जाए, वो है हृदय, वो तो दिखता ही नहीं। तो यदि आपके हृदय में किसी दुखी को देख करके जो आपको अति दया आती है, तो वो दया जिसमें रहती है उसी का नाम हृदय है। तो दया नहीं दिखती, सीधे आश्रु बिंदु दिखते हैं। दया के कारण आप अपनी जेब से जितने रुपया उस गरीब को दे देते हैं, तो भावना का नाम हृदय कहलाया। और वो जो आप मांसपिंड है वो हृदय नहीं है। अगर ऐसा होगा तो चीड़ फाड़ के कब का भगवान को बांध लेंगे लोग, है ना। इसलिए आप जिसको शरीर का अंग कह रहे हैं वह शरीर का हृदय है, वो शरीर का हृदय है। और शरीर का हृदय का तात्पर्य ये है कि वह वो बंद हो जाएगा तो पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हृदेश, अब भगवान ने देखिए, भगवान ने 15वें अध्याय के आगे जा करके 6वें श्लोक के आगे कहा कि देखो, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ाः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान के नेत्रों से आत्मा को वही जान सकते, ये वाली आंखों से नहीं। उत्क्रामंतम खड़े होते हुए, स्थितम रुकते हुए, भुंजानम देखते सुनते चलते फिरते खाते पीते, और गुणान्वितम क्रोध करते काम करते लोभ करते, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति जो मूढ़ होते हैं, जिनको स्त्री चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इनको मूढ़ कहते हैं। ये लोगों की दृष्टि इस तरफ है, कहाँ, धन की ओर दृष्टि, स्त्री की ओर दृष्टि, पुरुष की ओर दृष्टि, परिवार की ओर दृष्टि, इस दृष्टि इस तरफ जिसकी दृष्टि होती है वो उसकी ईश्वर और आत्मा की ओर दृष्टि होती ही नहीं। भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये विमूढ़ है, जिन्हें यही पता नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको विमूढ़ कहते हैं। तो जो विमूढ़ होते वो देख ही नहीं सकते। अब आप कह रहे हैं हमको आत्मा देखना है, तो आत्मा कहाँ है? भगवान, आत्मा की चर्चा छोड़िए, आत्मा तो छोड़ दीजिए आप। भगवान गारंटी से कहते हैं कि अर्जुन, मैं या ईश्वर मैं हूँ, ईश्वरो हम, धाता कर्ता पिता महा, मैं ही पिता मैं हूँ, मैं ही धाता हूँ, मैं ही कर्ता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और अंत में कहते हैं हम बीज प्रदा पिता, शरीर का निर्माण करने वाले बीज दान करने वाला मैं ही हूँ। भगवान ही देखिए ना आप सीधे, तो आप भगवान को ही देख लो ना। भगवान ने ही पता बता दिया, हृदय शरीर जो है सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शरीर को काट पीट करके वो जो मांस का पिंड निकलता जहलता है वो शरीर का हृदय है। लेकिन जहाँ भगवान रहते हैं, अरे भाई नीचे क्या कचरा है, अन्नमय कोश से है शरीर का नाम है, अन्नमय कोश, मलमय कोश, ये मल से भरा हुआ है। तो भगवान यहाँ छाती के नीचे क्या करेंगे, पेट के नीचे क्या करेंगे बताइए। इसलिए भगवान हमेशा हृदय प्रदेश में रहते हैं, ना उन्हें आपके खाने से, ना पीने से, ना अन्न से, ना भोग से। आत्मा इसलिए कर्ता भोक्ता महेश्वरा करता है। अब कैसे, बोले चैतन्यता से, इसलिए चेतनता जो है उसी का नाम आत्मा है। अब आपका प्रश्न है शरीर कैसे छोड़ता है, तो आपने कभी शरीर में प्रवेश करते देखा है? तो आत्मा को शरीर में प्रवेश करते नहीं देखा, तो शरीर छोड़ते कैसे देखेगा आपको? पर उसकी वृद्धि क्या है, अन्न में प्रवेश करता है, अन्न लेकर के, और जब जो पुरुष खाता है, खाली मनुष्य से मतलब नहीं है, पशु पक्षी सब है, जो पुरुष जाति का शरीर होगा वो जो खाएगा उसमें जीव बैठेगा, ये उसको नहीं दिखेगा। और वह पुरुष के वीर में जाएगा, वह वीर से फिर वह स्त्री जाति के गर्भ में प्रवेश कर जाएगा, कहाँ दिखा आपको जीव कहाँ गया। इसलिए जीव का जाने की विधि ये है, निकलने की विधि क्या है, बोले दसों दरवाजे नव द्वार पूरी देही, नव दरवाजे वाला वो कहीं से भी जा सकता है। इसलिए उसका प्रवेश द्वार तो गर्भाधान ही है, किंतु
उसके निष्कासन का दरवाजा तो कभी भी कहीं से भी जा सकता है। क्षीण काया देखेगा, निष्क्रिय शरीर देखेगा, चला जाएगा। इसलिए विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जिनकी दृष्टि संसार के भोग योग्य पदार्थों में है, इन आँखों से उन्हें कैसे देखेंगे? बोले पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान नेत्र है वो ज्ञान नेत्र कहाँ मिलेंगे आपको? आप जाइए पहले गुरुजनों के पास रहिए, उतना शब्द तितिक्षा उपरि श्रद्धा समाधान करिए, उतना तप करिए, शरीर से जब देह देहाध्यास छूट जाए तब वो ज्ञान नेत्र मिले। तो जब ज्ञान नेत्र मिलेंगे तब आत्मा को आप देखेंगे। इसलिए पहले हृदय प्रदेश देखिए, और हृदय प्रदेश में भगवान विराजमान है, और जहाँ भगवान विराजमान है वहीं आत्मा विराजमान है। तो जैसे वो प्रवेश करते हैं ऐसे वो निकलने में स्वतंत्र है। बोली वृंदावन हरि लाल की।